Assalamu alaikum dear students, hope you are all well in your homes. I am Hasnain Al-Madni. Today we will learn about inshallah kinds of sentences meaning wise. So kya kehte hain ki there are five kinds of sentences according to their meanings. Ke matlab ke lihaz se jumlon ki panch iqsam hai ki unko panch iqsam mein taqseem kiya gaya ya keh lein ya panch iqsam mein unko bayan kiya jata hai. So first one is declarative or assertive sentences. ठीक है, खबरिया या बयानिया जुमले, ये एक ख़ास है इनमें, क्योंकि ज़्यादातर जो गुफ्तगू होती है सेंटेंस हम देखते हैं वो इस कंडीशन में पाए जा रहे होते हैं. लाइक इसको आप कह लो कि किसी चीज़ का आप खबर दे रहे हो या बयान दे रहे हो, किस चीज़ को आप फोर्सली आप कह रहे हो कि एक कम्प्लीट बात आपको बताई जा रही है कि फ़ाइनल हो चुकी है ऐसी बात. मैं इसको आपकी मिसाल देता हूँ, जैसे पाकिस्तान 1947 को आज़ाद हुआ, ये खबर है, उसको भी हम इसमें काउंट करेंगे. मैं कहता हूँ कि कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान के बानी हैं, ठीक है, उसको भी इसमें काउंट करेंगे. मैं कह रहा हूँ बारिश हो रही है, तो उसको भी, इसको एक खबर हो रही है, उसमें काउंट करेंगे. और यानी किसी चीज़ को अगर आप बयान कर रहे हो या उसकी खबर दे रहे हो तो उसको हम डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेज में काउंट कर रहे होते हैं. सो इसकी क्या डेफिनेशन क्या है, दीज सेंटेंसेज टेल अस दैट सम एक्शन और इंसिडेंट हैज टेकन प्लेस और नॉट. बता रहा है कि ये जो सेंटेंसेज होते हैं हमें बता रहे होते हैं, जाहिर करते हैं कि टेल अस दैट सम एक्शन, कि कोई काम या इंसिडेंट, कोई वाकया हैज टेकन प्लेस आर नॉट, हुआ है या नहीं हुआ, किसी काम के होने या ना होने की हमें खबर दे रहे होते हैं. मजीद क्या कहते हैं, दीज सेंटेंसेज मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव. और ये जो जुमले होते हैं ये मुस्बत भी हो सकते हैं और मनफी, यानी कि नेगेटिव सेंस में भी जा सकते हैं. सो मजीद इसको क्या कह रहे हैं कि दीज सेंटेंसेज हैव बिन सब डिवाइडेड इंटू थ्री काइंड. ये जो सेंटेंसेज की मीनिंग वाइज उनमें से सबसे अहम भी यही है और लेंथी भी यही है. सो इसको आज अकेले को हम डिस्कस करेंगे, बाकी जो फोर रह जाएंगे इंशाल्लाह उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं. अब इसको डिटेल में आपने समझना है. सबसे इसकी सब डिवाइडेड कहते हैं उसको, तीन में दोबारा उसको सब डिवाइड किया गया, मजीद तीन उसको एग्जाम में. वो क्या आ जाती है, सबसे पहले आ जाती है उसमें अफर्मेटिव सेंटेंसेज के मुस्बत जुमले. अफर्मेटिव सेंटेंसेज कौन से होते हैं, the sentences which give us positive statements are called affirmative sentences. यानी कि जो जुमले हमें मुस्बत खबर दे रहे होते हैं, जो हमें एक पॉजिटिव सेंस बना रहे होते हैं हमारे माइंड में भी, और उनको कोई जुमला बोल के उनको हम अफर्मेटिव सेंटेंसेज में काउंट कर लेते हैं. उसकी मिसाल क्या है, we have won the match, कि हम मैच जीत चुके हैं, ये खुशी की बात है कि हमने मैच जीत लिया है, तो इसको हम किस में काउंट कर लेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंसेज में. फिर नेक्स्ट क्या आ जाता है, वी रीड न्यूज़पेपर एवरी डे. अभी भी मुस्बत सी खबर है, इसमें खुशी की बात है, अच्छी बात है, तो उसको हम इसमें अफर्मेटिव सेंटेंसेज में काउंट कर लेते हैं. नेक्स्ट आ जाता है कि नेगेटिव सेंटेंसेज, ठीक है, वो कौन से होते हैं, डिक्लेयरिंग नेगेशन फॉर सम टास्क, डिस्क्रिप्शन और फैक्ट और कॉल्ड नेगेशन नेगेटिव. यानी कि डिक्लेयर करते हैं ऐलान करना, और नेगेशन का मतलब होता है नफी करना. कहते हैं कि किसी हकीकत का या किसी बयान का ऐलान करना या उसकी नफी करना, वो नेगेटिव सेंटेंसेज में काउंट किया जाता है. वो और कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंसेज, वो नेगेटिव सेंटेंस यानी कि मनफी जुमले कहला रहे होते हैं. क्या कहते हैं कि जिसमें किसी बात का इनकार किया जाए या उसको मनफी पहलू में रखा जाए, तो उसको हम इन जुमलों में काउंट करते हैं. उसकी एग्जांपल्स क्या हैं, द सन डजंट राइज़ इन द वेस्ट, कि जो सूरज है वो मगरिब से नहीं निकलता, तुलू नहीं होता. जाहिर सी बात है, अब ये स्टेटमेंट क्या होगी, नहीं में जा रही है, डजंट आ गया, ठीक है, तो उसको हम किस में नेगेशन में काउंट कर रहे हैं. नेक्स्ट क्या आ जाता है, उसकी एग्जाम्पल और क्या है, वी डू नॉट हेल्प द पुअर, हम गरीबों की मदद नहीं करते, जो कि बहुत सच भी है कि हम मदद नहीं करते. सो इसको हम किस में काउंट करते हैं, इसको भी नेगेटिव सेंस में. ये देखो ना, नेगेटिव सेंस पैदा कर रही है, डू नॉट आ गया, नॉट, नेवर, नेदर, ये जो वर्ड्स होते हैं नो वगैरह, ये आपको पता चल जाता है कि नेगेटिविटी आपके माइंड में. इसमें एक होता है एक आम बात करो और उसकी सेंस नेगेटिव जा रही हो, एक वो भी मनफी जुमले होते हैं, और एक है कि उनमें यूज इनका आ जाए ये नेगेटिव वर्ड्स का, लाइक नॉट आगे या नॉर नेदर या नो वगैरह, ठीक है, तो इस सब से आपको पता चल जाता है कि ये नेगेटिव सेंटेंसेज हैं. अच्छा, ये नेगेटिव सेंटेंसेज की आपको समझ आ गई है. फिर उसके बाद आ जाता है इम्फेटिक सेंटेंसेज, यानी कि तकीदी जुमले जिनमें जोर दिया जा रहा होता है किसी बात में.
इम्फैटिक ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, मैं कहता हूँ कि मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा, ठीक है, आई विल गो देयर, या मैं वो काम ज़रूर करूँगा, ऐसे काम जिनमें तकीद पाई जा रही हो तो उनको हम तकीदी जुमले कहते हैं उर्दू में, और इंग्लिश में उनको हम इम्फैटिक सेंटेंसेस काउंट करते हैं। इसकी क्या डेफिनेशन है? अ सेंटेंस विच एक्सप्रेस समथिंग फोर्सिबली इज कॉल्ड इम्फैटिक सेंटेंस, यानी कि एक ऐसा जुमला जो कि किसी चीज़ में आपको तकीदी या जोर दिखा रहा हो और या जबरन आपसे कोई काम करवा रहा हो तो उसको हम इम्फैटिक सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। और इसकी एग्जाम्पल क्या है? दे शैल कम हेयर। अब आपको हमें पता है कि आई और वी के साथ हम शैल यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे दे के साथ है, दे के साथ विल आना चाहिए था, लेकिन आपको आगे हम सीखेंगे भी कि कुल ये होता है कि अगर किसी चीज़ को जोर डालना हो, तकीदी बनाना हो, तो उसका जो मेथड होता है उसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं हेल्पिंग वर्ब का। तो इसमें हमने वैसे तो विल लगता था तो हमने यूज़ किया दे शैल कम हेयर, इसका मतलब यहाँ पर तकीद हो रही है कि वो ज़रूर यहाँ आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरी एग्जाम्पल क्या है? शी डिड गो टू स्कूल, वो ज़रूर स्कूल गई थी, ठीक है। अब होना था शी वेंट टू स्कूल, कि वो स्कूल गई, लेकिन शी डिड गो टू स्कूल इसका मतलब है कि तकीद दी गई है, जोर दिया गया जुमले में कि वो ज़रूर स्कूल गई थी। सो ये हम हमारी जो डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेज हैं, खबरियाँ या बयानियाँ जुमले, उनकी तीन इकसाम है जो कि बहुत अहम है। स्टूडेंट्स याद रखो, आपको सेंटेंसेज में इसलिए वो ज़्यादा तवज्जो दिलवा रहा हूँ कि ग्रामर में इनका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, या आप इस्तेमाल जब कर रहे होते हो आपको कंडीशंस का पता होना चाहिए, मैं कौन सा जुमला कहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ और ये जुमला बेसिकली डील किससे कर रहा है, ठीक है। जब तक अब ये चीज़ें बेस हैं ग्रामर के लिहाज से, और बहुत कम ये पढ़ी जाती हैं और पढ़ाई जाती हैं, लेकिन ये ख़ास हैं, ठीक है। इसकी अगर इंसान को समझ आ रही होती है तो उसको जुमले की सेंस पता चल रही थी, उस लिहाज से वो ट्रांसलेशन भी कर लेता है ईजीली, और उसके बाद आगे से बयान भी ईजीली कर लेता है। सो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी, खुदा आने के बाद।